हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर वीडियो में हम रैबडो वायरस के बारे में पढ़ेंगे। सो रैबडो वायरस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लीनियर होते हैं, नेगेटिव सेंस होते हैं एंड ये नॉन सेगमेंटेड आरएनए वायरस होते हैं। सो दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड, लीनियर, नेगेटिव सेंस, नॉन सेगमेंटेड आरएनए वायरस एंड इनके पास इन्वेलप प्रेजेंट होती है। सो दीज आर इन्वेलप्ड एंड ये बुलेट शेप्ड वायरस होते हैं। इनकी शेप जो है वो बुलेट की तरह होती है एंड इनका मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में पिकोरना वायरस के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था पिकोरना वायरस का भी रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में ही हो रहा था। सिमिलरली यहाँ भी रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में ही होता है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो एज़ यू कैन सी इन दिस स्लाइड, ये इनके पास इन्वेलप प्रेजेंट है बिकॉज दीज आर इन्वेलप्ड वायरसेस। तो इनकी इन्वेलप प्रेजेंट है एंड दिस इज़ मैट्रिक्स प्रोटीन एंड दिस इज़ ग्लाइकोप्रोटीन जी, जो कि आपको आउटवर्ड स्पाइक्स दिख रहे होंगे, इस ग्लाइकोप्रोटीन जी एंड ये है न्यूक्लियोप्रोटीन एन। सो ये इनका स्ट्रक्चर है। अच्छा, रैबडो वायरस के बारे में बात करें तो इट्स एग्जाम्पल इज़ रेबीज़ वायरस। सो रैबडो वायरस का जो एग्जाम्पल है वो रेबीज़ वायरस, और आप रेबीज़ वायरस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आप इनके पास बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको ग्रुप 5 में, दैट इज़ नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये, रखा गया है। एंड आप देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर में काफ़ी क्लियरली इनके पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है, इनके पास मैट्रिक्स प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि आपको पर्ल की तरह इसमें जिसकी अपीयरेंस आपको दिख रही होगी, इस मैट्रिक्स प्रोटीन एंड इनके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स प्रेजेंट है। देन फॉस्फोलिपिड प्रोटीन इनके पास, देन फॉस्फोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एंड देन लाइकोप्रोटीन इन्वेलप प्रेजेंट है, जो कि आपको ग्रीन कलर की जिसकी पॉड लाइक अपीयरेंस दिख रही होंगी। एंड देन साथ ही साथ इनके पास हेलिकल राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन एंड आरएनए प्लस न्यूक्लियोप्रोटीन ये प्रेजेंट होते हैं। सो ये है रेबीज़ वायरस का स्ट्रक्चर। अगर हम रेबीज़ वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें और डिटेल में, तो आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं रेबीज़ वायरस के स्ट्रक्चर में इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रोटीन एंड न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, अगर हम इनके पैथोजेनेसिस की बात करें तो अगर रैबिट, डॉग या अदर एनिमल ने बाइट किया है तो ये इन्फेक्शन लग जाता है। और क्या होता है कि जो भी ऐसे रैबिट, डॉग है या अदर एनिमल है, उनके सलाइवा में ये वायरस कैरी होता है एंड ये वायरस वहाँ से कैरी होकर वुंड साइड पे डिपॉजिट हो जाता है। एंड अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी तो 50% केसेस में रेबीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है। सो हमें प्रॉपर लाइक इंस्टेंट हमको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी, इफ़ अनट्रीटेड, देन 50% विल डेवलप रेबीज़। सो रेबीज़ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लिक्स एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। रेबीज़ जो है वो लिक्स और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। एंड होता क्या है कि वायरस मल्टीप्लाई करते हैं हमारे मसल्स में, कनेक्टिव टिश्यूज़ में, नर्व्स में आफ्टर 48 to 72 hours। तो जब ऐसे रैबिट, डॉग या एनिमल ने बाइट किया है, उसके 48 to 72 hours में ये वायरस मल्टीप्लाई करने शुरू कर देते हैं हमारे मसल्स में, कनेक्टिव टिश्यूज़ में एंड नर्व्स में। एंड साथ ही साथ दे पेनिट्रेट नर्व एंडिंग्स, ये नर्व एंडिंग्स तक भी पेनिट्रेट करते हैं। सो अगर आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर इन्फेक्शन इन्फेक्ट करते हैं और कैसे बाइट करते हैं, तो वायरस एंटर्स विया एनिमल बाइट। सपोज फर्स्ट में आप देख सकते हैं एनिमल ने बाइट किया, वहाँ से वायरस ये एंटर हो गए। देन वायरस रेप्लिकेट्स इन मसल्स एट साइट ऑफ बाइट। सो जहाँ पे उसने एनिमल ने बाइट किया है, उसी बाइट के साइट पे वायरस का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है एंड ये रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मसल्स में हो रहे हैं। देन उसके बाद क्या होता है, वायरस इन्फेक्ट्स नर्व इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मूव्ड बाई रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। देन वायरस जो है वो क्या करते हैं, वो नर्व को इन्फेक्ट करते हैं एंड नर्व को इन्फेक्ट कैसे करते हैं, तो वायरस इन्फेक्ट नर्व इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मूव्ड बाई रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। सो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट से मूव होते हैं, ये हमारे नर्व को इन्फेक्ट करते हैं। देन वायरस रेप्लिकेट्स इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन एंड ट्रेवल्स अप स्पाइनल कोड टू द ब्रेन। सो ये वायरस क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं डॉर्सल रूट में, गैंग्लियन में एंड ये ट्रैवल करते हैं स्पाइनल कोड से ब्रेन तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने अब ये जो वायरस जो इन्फेक्शन है, ये ब्रेन तक, अब ये वायरस जो है वो ब्रेन तक रेप्लिकेट करके ट्रांसमिट हो चुका है। एंड देन
उसके बाद क्या होता है, ब्रेन इन्फेक्टेड। सो हमारा ब्रेन, जब ये ब्रेन तक पहुंच गए तो इन्होंने हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट कर दिया, ब्रेन इन्फेक्टेड है। एंड देन वायरस ट्रेवल्स फ्रॉम ब्रेन वियर नर्व टू अदर टिश्यूज सच एज आई, किडनी, सलिवरी ग्लैंड एक्सेट्रा। एंड देन ये ब्रेन से वायरस नर्व्स के द्वारा ट्रैवल करके हमारे अदर टिश्यूज लाइक आईज, किडनी, सलिवरी ग्लैंड तक पहुँच जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस इन्फेक्शन की साइकिल चल रही है, वो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले ये बाइंडिंग साइट से एंटर होते हैं, देन मसल्स में रेप्लिकेट करते हैं, देन ये हमारे नर्व में रेप्लिकेट करते हैं, देन ये रेप्लिकेट करते हैं हमारे डॉर्सल रूट एंड गैंग्लियन में, एंड देन ट्रैवल हो जाते हैं ये स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे ब्रेन तक। देन ब्रेन में, ब्रेन को ये इन्फेक्ट करते हैं। देन उसके बाद ये ब्रेन से हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे अदर टिश्यूज जैसे कि आईज, किडनी, सलिवरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। सो ये है इनका इन्फेक्शन कैसे कॉज करते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स हैं इनके, तो इसमें अगर रेबीज़ का इन्फेक्शन, रेबीज इन्फेक्शन हुआ है तो इस केस में जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है हेडेक, फीवर, सोर थ्रोट, देन साथ ही साथ नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, पेन और टिंगलिंग एट द साइट ऑफ द बाइट, हेलुसिनेशन लाइक सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, एंड हाइड्रोफोबिया विच इज़ फियर ऑफ वाटर ड्यू टू द स्पैज़म इन द थ्रॉट। सो अगर हमारे उसमें थ्रॉट में स्पैज़म हो जाता है जिसकी वजह से वाटर से फोबिया हो जाता है, डर लगता है वाटर से, फियर ऑफ वाटर। एंड देन पैरालिसिस, अनएबल टू मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो पैरालिसिस हो जाता है, एंड कोमा एंड डेथ भी हो जाते हैं रेबीज की वजह से। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रेबीज। फर्स्ट इज हेडेक, फीवर, सोर थ्रॉट, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, पेन और टिंगलिंग एट द साइट ऑफ द बाइट, हेलुसिनेशन, हाइड्रोफोबिया, पैरालिसिस एंड कोमा एंड डेथ। सो दीज आर द सिम्टम्स। अगर हम बात करें क्लिनिकल फाइंडिंग्स की, तो क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, सो बिजारे बिहेवियर, एजिटेशंस, सीजर्स, डिफिकल्टी इन ड्रिंकिंग, पेशेंट्स विल बी एबल टू ईट सॉलिड, and afraid of water, that is hydrophobia, even sight of sound disturbs the patient, and but suffer with the intense thirst, death in 1 to 6 days, respiratory arrest, death, or some may survive. So these are the clinical findings. अगर हम transmission की बात करें कि ये transmit कैसे होते हैं, तो animal bite से ये infection हमें लगता है, एंड जहाँ पे एनिमल बाइट करते हैं वहाँ से ये वायरस हमारे अंदर एंटर होकर हमारे मसल में मल्टीप्लाई करते हैं। देन हमारे मसल में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, द फार्दर अवे फ्रॉम द ब्रेन द लॉन्गर वायरस टेक्स टू स्प्रेड, एंड ये हमारे ब्रेन तक पहुँच जाते हैं, एंड देन हमें हमारे ब्रेन से हमारे अदर ऑर्गेन तक पहुँच जाते हैं, स्प्रेड होते हैं और हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो वायरस स्प्रेड्स थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्प्रेड करते हैं, एंड देन इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट से ये इन्फेक्शन लग जाता है। लाइक शो नो फियर फॉर ह्यूमंस, एक्ट वेरी एजिटेटेड, लाइक बैट, फॉक्स, कैट, स्कंक, इनकी बाइट से इन्फेक्शन हमें लग सकते हैं। उनके सिम्टम्स क्या है वो ऑलरेडी हमने अभी पढ़ लिया है। अगर हम बात करें लैब डायग्नोसिस की, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो हम अलाइजा टेस्ट कर सकते हैं, अलाइजा एसी को यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, बिकॉज अलाइजा स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेबीज इन्फेक्शन एंड एंटीजन डिटेक्शन बाय स्पेसिफिक इम्यूनोफ्लोरेसेंस। सो दीज आर द टू मैथड्स विच वी यूज़ फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेबीज इन्फेक्शन। अगर हम बात करें प्रिवेंशन की कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेबीज से, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन ऑफ ससेप्टेबल एनिमल स्पीशीज पर्टिकुलरली डॉग्स एंड कैट्स विल कंट्रोल दिस जूनोटिक डिसीज। सो अगर हम ससेप्टेबल एनिमल स्पीशीज पर्टिकुलरली डॉग्स और कैट्स के लिए वैक्सीनेशन लेते हैं, तो ये कंट्रोल कर देते हैं ये जूनोटिक डिसीज़ को कंट्रोल कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। थैंक यू सो मच।